वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। हमने रिग्रेशन टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग और इसका यूज को हम अच्छे से समझ चुके हैं। लास्ट क्लासेस में रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है उसको भी हमने समझा है, और रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमने नॉर्मल इक्वेशन मेथड को भी लास्ट क्लासेस में कवर कर लिया है। आज भी हम रिग्रेशन इक्वेशन को ही फाइंड करेंगे, लेकिन आज की क्लासेस में हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन की हेल्प से रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में आज की क्लास का टॉपिक क्या है कि रिग्रेशन इक्वेशन। हाँ, लास्ट क्लास जो किया था हमने उसमें भी रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करा था, बट वहां पे नॉर्मल इक्वेशन मेथड था। आज की क्लासेस में कोफिशिएंट रिग्रेशन मेथड है। इसके अंदर भी तीन तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला, आपके पास है यूजिंग एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज। एक्चुअल वैल्यू को हम यूज करेंगे यहां पर एक्स और वाई के। जब सेकंड पाएंगे तब मैं सेकंड की बात करूंगा, पहले आज की क्लासेस में हम फर्स्ट पे ही फोकस करेंगे। देखिए, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्स बोलते हैं। तो फॉर्मूले में ये जो है इसको आप एज अ कैपिटल एक्स आप ट्रीट करेंगे। क्लियर है बच्चे? मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सबसे पहले ये देखिएगा, पहले फॉर्मूला समझ लीजिए क्या है। विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम? रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्लियर है बच्चे? तो इस केसेस में सबसे पहले आपका x ऑन y, आपका इक्वेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? आपका लेफ्ट पे x है ना, तो आप इस x में से इसी का मीन माइनस करेंगे। क्लियर है बच्चे? और इक्वल्स टू आप y में से y का मीन माइनस करेंगे, दिस वन, जैसे कि फॉर्मूले में मैंने बताया भी आपको। x में से x का मीन माइनस कर देंगे, y में से y का मीन आप माइनस कर देंगे, और उसके बाद आप राइट साइड में एक काम और करेंगे। राइट साइड में आप लिखेंगे बी एक्स वाई। अब बी एक्स वाई क्या है? सबसे पहले x तो आपके पास में एक्चुअल वैल्यू ऑफ x सीरीज होगी, x बार मतलब उस x सीरीज का मीन होगा। उसके बाद आपके पास में y माइनस y बार, y आपको पता है कि दूसरी सीरीज है, इसको हम y कहते हैं, और y बार उस सीरीज का मीन की मैं बात कर रहा हूं। बेसिकली x और y की वैल्यू रिप्लेस नहीं होती है, क्योंकि हम टू वेरिएबल इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें x और y वेरिएबल रहेगा। हम x बार की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और y बार की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। वो आपके पास में x सीरीज होगा तो आप उसका मीन निकाल लेंगे तो x बार हो जाएगा, y सीरीज होगा उसका आप मीन निकाल लेंगे तो y बार हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू रिप्लेस करना आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है। अब आपके पास में बी एक्स वाई क्या है? बी एक्स वाई बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। बी एक्स वाई बेसिकली क्या है? जब x ऑन y हो तो आपके पास में n सिग्मा x इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और आपके पास में x और y, तो आपके पास में x ऑन y, तो सेकंड नंबर y है ना, तो y को यूज करेंगे हम, n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर, दिस वन। ये आपका फॉर्मूला है, जैसे यहां पर भी आपको बताया गया मैंने, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x फिर इंटू सिग्मा y और y है। इसी तरीके से आपके पास में y ऑन x, ये y ऑन x क्या है? y ऑन x, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, लास्ट क्लास में डिस्कशन करा है मैंने। तो y ऑन x में तो लेफ्ट में y है, तो y माइनस y बार इक्वल्स टू x माइनस x बार, जो राइट पे उसको राइट पे लिखना है, और b एक्स वाई तो रहेगा, लेकिन बस यहां पर x और b एक्स वाई को निकालने का तरीका बदल जाएगा। ऊपर न्यूमिनेटर सेम रहेगा आपका, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई, ये किस पे? y ऑन x है ना, तो अपॉन में n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, दिस वन। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। आइए क्वेश्चन से करके देखते हैं, क्वेश्चन में कैसे करेंगे। बच्चे फर्स्ट क्लास में देखी तो आपको पहले फर्स्ट क्लास देखनी चाहिए, और कुछ बच्चे कह रहे सर डिस्पर्जन, रिग्रेशन का टॉपिक हम एक दो क्लासेस में कवर कर करके फिर सीधा हम जो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो कुछ टॉपिक्स की आप बात कर रहे हो उस टॉपिक को हम कवर करेंगे, डिस्पर्जन भी बिल्कुल कवर करेंगे। पहले मैं आपको डिस्पर्जन ही करवाऊंगा, रिग्रेशन खत्म करते हैं।
चलिए देखिए जरा, क्या फाइंड करना है आपको? कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, इसी को देखेंगे। यहां पर कुछ टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है, कोई यूज नहीं है इसका। हाँ जी बच्चे, अब देखेंगे यहां पर क्वेश्चन। अगर आप देखते हैं अपना, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, रिग्रेशन इक्वेशन पूछ रहा है। तो रिग्रेशन इक्वेशंस के आपके पास में दो वे हैं, नॉर्मल इक्वेशन मेथड और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अब यहां पर ये क्लियर नहीं है कि आपको नॉर्मल इक्वेशन मेथड से इसको करना है या फिर आपको कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन मेथड से इसको, आपको इक्वेशंस को फाइंड करना है। ये क्लैरिटी नहीं है। तो जब भी क्लैरिटी ना हो तो इसका मतलब साफ है कि आपको कोफिशिएंट रिग्रेशन मेथड से ही इसको करना पड़ेगा। जब तक क्लैरिटी ना हो, कुछ भी नहीं कह रखा है, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर इक्वेशंस का अपने पास में, आपको यहां पर आपको पता है कि दूसरे में आपको क्या चाहिए, तो सिग्मा एक्स चाहिए। फॉर्मूला अगर आप देखें तो आपके पास में इक्वेशन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होगा, एक्स ऑन वाई, पहले मैं फाइंड कर रहा हूं दिस वन, एक्स ऑन वाई। तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा, एक्स माइनस एक्स बार दिस वन बी एक्स वाई एंड वाई माइनस वाई मीन दिस वन। रिक्वायरमेंट क्या है मुझे, मुझे रिक्वायरमेंट यहां पर है सबसे पहले x का मीन का और y के मीन का, जो कि मैं यही सफिशियंट है। उसके बाद मैं बी एक्स वाई कैसे कैलकुलेट करूंगा, बी एक्स वाई कॉफिशेंट ऑफ रिग्रेशन समिशन x n समिशन x y माइनस समिशन x इंटू समिशन y अपॉन ऑन y है ना, तो n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर दिस वन, ये चाहिए मुझे। तो मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को समझिएगा, मुझे एक्स मीन निकालना है। तो एक्स बार इक्वल्स टू समिशन ऑफ एक्स अपॉन एन, एंड एक्स बार इक्वल्स टू समिशन ऑफ एक्स क्या आएगा आपका, एक दो तीन और तीन छह चार दस पांच पंद्रह, और टर्म कितने, पांच, एंड एक्स बार इक्वल्स टू क्या आया, फाइव। एंड वाई का मीन कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ वाई अपॉन एन, एंड वाई बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ वाई, दो और पांच सात, सात और तीन दस, और आठ अट्ठारह, अट्ठारह और सात पच्चीस, 25 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या है हमारे पास, सॉरी तीन, क्या है हमारे पास में 5। क्लियर है बच्चे? अब आपके पास में और क्या चाहिए, आपके पास में एक्स और वाई का मल्टीपल चाहिए। तो आइए कुछ कॉलम क्रिएट करेंगे। एक कॉलम तो हमारे पास में जाएगा एक्स और वाई के लिए, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ऑलरेडी हमारे पास में है। एक वाई स्क्वायर चाहिए होगा, एक तो मेरे पास में एक्स और वाई के लिए कॉलम चाहिए, एक वाई स्क्वायर का कॉलम चाहिए, दो ही कॉलम काफी है। चलिए देख लेते हैं, हाँ जी एक्स और वाई ये कैलकुलेट कर रहे हैं अब हम, एक्स और वाई चाहिए हमें। तो एक्स और वाई के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दो मल्टीप्लाई करेंगे दस और नाइन बत्तीस, सात पंचे पैंतीस, और समीशन ऑफ एक्स और वाई तो दो और नौ ग्यारह, ग्यारह और दो तेरह, तेरह और पांच अट्ठारह, और एक, एक और एक दो, दो और तीन पांच, पांच और
तीन आठ 88। क्लियर है? समीक्षण एक्स समीक्षण वाई ऑलरेडी हमारे पास में, वाई स्क्वायर की हमें रिक्वायरमेंट है, वाई स्क्वायर। तो जो वाई स्क्वायर है हमारे पास में 4, 25, 09, 64 एंड 49। 4, 5, 9, 18, 18, 4, 22, 22, 9, 31 और 3, 2, 5, 5, 6, 11, 11, 4, 15, 10, 12। आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? बी एक्स वाई, बी एक्स वाई। तो आपके पास में एन क्या है? 5 × सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई क्या आपके पास में 88 माइनस सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स आपके पास में क्या है 15, सिग्मा वाई क्या है हमारे पास में 25 अपॉन एन एन सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना हमारे पास है 151 एंड सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई कितना हमारे पास में 25 और उसका होल स्क्वायर। तो बी एक्स वाई इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे आप यहां पर 88 मल्टीप्लाई बाय 5 440। क्लियर है? माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 25 375 अपॉन 151 मल्टीप्लाई बाय 5 755625 इक्वल्स टू 440 माइनस 375 65 अपॉन 755 माइनस 625 130। तो 1/2 और 0.5 आपका आया। अब आप वैल्यू अपने रिग्रेशन की कैलकुलेट करेंगे, सॉरी इक्वेशन आप फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन क्या आएगा आपका? एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार क्या आपका 3। बी एक्स वाई, बी एक्स वाई क्या हमारे पास में 0.5। वाई माइनस वाई बार कितना है 5। सॉल्व करेंगे आप इसको, एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0.5 वाई माइनस 2.5। तो सॉल्व करेंगे इसको, एक्स माइनस 0.5 वाई इक्वल्स टू, या फिर आप एक्स इक्वल्स टू 0.5 वाई ये हो जाएगा प्लस, तो आपके पास है प्लस 0.5। दिस वन ये आपके पास में क्या आ गया? एक वैल्यू आ गया, एक इक्वेशन आ गई। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? क्योंकि आप एक्स और वाई निकाल रहे हो, तो एक्स एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ, तो यहां पर एक्स डिपेंडेंट है वाई वेरिएबल पर। आप जो भी वाई आएगा उसके हिसाब से पता लग जाएगा कि एक्स क्या होने वाला है। तो फोरकास्टिंग में हमें यही होता है कि दो चीजों में रिलेशन होता है, तो एक में क्या इवेंट होगा तो दूसरा जो है क्या इफेक्ट उस पर आएगा, तो पहले से पता लग जाता है, वो इक्वेशन से पता लगेगा हमें। तो यहां पर आपके पास में क्वेश्चन हो गया। अब लेकिन हमारे पास में क्या निकाला? हमने एक्स ऑन वाई निकाला। अब आप करें वाई ऑन एक्स करें सेम क्वेश्चन में। क्या करना है आपको? वाई ऑन एक्स, सिंपल वाई माइनस वाई बार, बहुत आसान है। बी एक्स वाई, और यहां पर एक्स है राइट पे, तो एक्स माइनस एक्स बार। अब सवाल है कि बी एक्स वाई कैसे निकलेगा? तो बी एक्स वाई कैसे निकलेगा आपके पास में? एन वही सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन, ऑन एक्स है ना, तो आपके पास में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब आपके क्वेश्चन में सब कुछ ऑलरेडी है, बस एक चीज और आपको कैलकुलेट कर लेना है। वही क्वेश्चन है, किसी की रिक्वायरमेंट है? एक्स एक्स वाई सब कुछ है, बस आपको यहां पर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के लिए आपके पास है 1, 4, 9, 16 एंड 25। सॉल्व करेंगे आप, तो आप 5 और 9 14 और 6 20 और 5 25, 2 3 और 2 5 55 आ गया आपके पास में। तो सॉल्व करेंगे, एन बी एक्स वाई
फाइव सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई क्या 88, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स कितना आया था आपका 15, सिग्मा वाई कितना आया था आपका 25, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या आया आपके पास में 55, सिग्मा एक्स 15 का होल स्क्वायर दिस वन। तो बी एक्स वाई इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे आप 88 इंटू 5 440 माइनस 15 इंटू 25 375 अपॉन 55 इंटू 5 275 माइनस 15 इंटू 15 225। आगे सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास में 25 65 440 माइनस 375 65 अपॉन 50 275 माइनस 225 एंड सॉल्व करेंगे 65 डिवाइडेड बाय 50 1.3 एंड इक्वेशन फाइंड करेंगे आप जब तो y माइनस y बार कितना है 5। BXY क्या आपके पास में BXY आपके पास में 1.3 एंड x माइनस x बार 3। सॉल्व करेंगे y माइनस 5 इक्वल्स टू 1.3 x माइनस आपके पास में 3.9 दिस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या है y ऑन x है ना तो y लेफ्ट पे रहेगा बाकी दूसरी तरफ चला जाएगा तो 1.3x हो जाएगा आपके पास में प्लस 5 तो आपके पास है 1.1 तो प्लस 1.1 दिस वन। ये आपके पास में y ऑन x आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बताया नहीं है कि इक्वेशन फाइंड करना है किस वे में, नॉर्मल इक्वेशन से फाइंड करना है हमें या कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन से फाइंड करना है, नहीं बताया तो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फॉलो करेंगे आप। तो आपके पास में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और एन दिया हुआ है तो आप एक्स ऑन वाई भी निकालना है वाई ऑन एक्स भी निकालना है आपको। ये सब कैपिटल है, सब कैपिटल है, ठीक है ना। तो बस सिंपली हो जाएगा ना, तो आपके पास में कुछ करना ही नहीं। एक्स ऑन दो तरीके आपके पास में क्या कर सकते हो, एक आप एक्स ऑन वाई, तो एक्स ऑन वाई में एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो सबसे पहले आपके पास में बी एक्स वाई निकाल लीजिए, बी एक्स वाई इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स ऑन वाई वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर दिस वन। तो बी एक्स वाई इक्वल्स टू आपके पास में रहेगा एन, एन क्या है हमारे पास में, एन हमारे पास में 10 है, सिग्मा एक्स वाई क्या हमारे पास में 1000 है और माइनस सिग्मा एक्स क्या हमारे पास में 50 है और सिग्मा वाई क्या हमारे पास में 30 है, एन 10 है और सिग्मा वाई स्क्वायर क्या हमारे पास में 1800 है और हमारे पास में सिग्मा वाई क्या है 30 है सिग्मा वाई का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको आप तो हमारे पास पे आएगा 10,000 माइनस 1000 इंटू 10 10,000 माइनस 5 से 1500 8500 अपॉन 18,000 माइनस 900 सॉल्व करेंगे 8500 डिवाइडेड बाय 17,100 0.49 दिस वन। क्लियर है बच्चे, अपने वैल्यूज में रख दो आप कैसे x माइनस x बार। अब x बार कैसे निकलेगा, तो x बार कैसे होता है आपके पास में
एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और सिग्मा एक्स क्या है 50 और एन क्या आपके पास में 10, तो क्या आ गया 5। एन वाई बार कैसे निकलेगा, सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई क्या है हमारे पास में, सिग्मा वाई हमारे पास में 30 डिवाइडेड बाय 10 3। अब अपने इक्वेशंस में वैल्यू रिप्लेस करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई 0.49, वाई माइनस वाई बार, वाई बार 3। तो सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू 0.49 वाई माइनस, आधा ही हो जाएगा ये तो, डेढ़ हो जाएगा, 3 × 0.49 1.47 this one, and x equals to 0.49 y minus 1.47 plus 5, so x equals to 0.49 y minus ये हो जाएगा आपका प्लस 3.53 दिस वन। क्लियर है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आपको ये बताया नहीं क्या, एक्स ऑन वाई निकालना है, वाई ऑन एक्स निकालना है, तो आपको दोनों ही निकालना पड़ेगा। एक्स ऑन वाई निकाल दिया, अब वाई ऑन एक्स निकाल दोगे आप बच्चे, क्लियर है, सेम इन्फॉर्मेशन यूज करोगे आप, बस इसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये समझ में आपको आ गया, क्लियर है। इन द एस्टिमेशन ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स ऑफ एक्स एंड वाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर द ऑब्टेन्ड। सेम क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2008 का क्वेश्चन है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरा सॉल्व करो, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों ही निकालना है अब आपको, ठीक है। ये हो जाएगा अब आपका, चलिए इस क्वेश्चन पे आएंगे, पहले आप एक क्वेश्चन कर लो, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, करिए। डन, हाँ जी बच्चे, देखिएगा सबसे पहले आपको दोनों निकालना पड़ेगा, x ऑन y जब क्लियर नहीं है तो। अब x ऑन y निकालना है, सॉरी कौन सा अप्रोच आपको यूज करना है, नॉर्मल इक्वेशन मेथड या कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जब ये मेंशन ना हो तो, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x ऑन y में x माइनस एक्स बार equals to b x y y minus y bar, sorry b x y आप कैसे निकालेंगे, b x y निकालने का तरीका आपके पास में n sigma x y minus sigma x into sigma y, on y है ना तो y को कैच करेंगे जो राइट में है, राइट वाला नीचे आएगा, n सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, दोनों में फर्क होता है, हमने ऑलरेडी कोरिलेशन में समझ लिया है। अब आप देखेंगे बी एक्स वाई इक्वल्स टू एन, एन क्या है हमारे पास में ऑलरेडी 10 है, सिग्मा एक्स वाई क्या हमारे पास में 3900 है, सिग्मा एक्स क्या हमारे पास में 900 है, और सिग्मा वाई हमारे पास में 700, n हमारे पास में 10 है, सिग्मा वाई स्क्वायर क्या है, सिग्मा वाई स्क्वायर हमारे पास में 2860 है, और माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा वाई क्या है 700 का होल स्क्वायर दिस वन। आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास में 39000 माइनस 630000 अपॉन, दिख रहा है नीचे वाला सेगमेंट 28600 माइनस 4 times 0 490000। सॉल्व करते हैं इसको,
39,000 39,000 माइनस 63, 6,30,000। इक्वल्स टू -59,100 अपॉन, नीचे माइनस में आएगा तो कट जाएगा, माइनस से माइनस, 2,860,000, 2,860,000 माइनस 4,940, 4,614,000। सॉल्व करेंगे तो 5,91 / 4,614,000, 1.28, 1.28। क्लियर है बच्चे? अब सॉल्व इसको आगे आप करते हैं तो अपने इक्वेशन में वैल्यू रखनी है आपको। एक आपके पास में एक्स बार क्या आएगा, समीशन एक्स अपॉन एन, जो कि क्या रहेगा आपका, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एक्स आपके पास में है 900 और अपॉन एन आपके पास में 10 है, तो आपके पास में 90 हो गया। एंड वाई बार इक्वल्स टू समीशन वाई अपॉन एन, और समीशन वाई आपके पास में क्या है, समीशन वाई आपके पास में है 700/10, 70 हो गया। अब अपने इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई 1.28, वाई माइनस वाई बार, तो एक्स माइनस 90 इक्वल्स टू 1.28, वाई माइनस 70 इंटू 1.28, 89.6। क्लियर है बच्चे? आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, एक्स इक्वल्स टू 1.28 वाई एन प्लस 90, प्लस 0.4। क्लियर है? ये इक्वेशन आ गया, ये तो एक्स ऑन वाई है। अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करता क्या, अगर मैं कैलकुलेट करता वाई ऑन एक्स, तो कुछ भी चेंज नहीं था, बस वाई है तो पहले मैं वाई से स्टार्ट करता, वाई माइनस वाई बार वही लिखता, फिर बी एक्स वाई, अब एक्स से तो एक्स माइनस एक्स बार, अब वाई बार वही यूज होगा, एक्स बार वही यूज होगा, अब बी एक्स वाई निकालने का तरीका बदल जाता बस आपका, क्योंकि एक्स ऑन वाई ऑन एक्स है, न्यूमरेटर तो सेम रहता आपका, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये सेम रहता, पर डिनोमिनेटर में क्या रहता आपका, एन जो राइट साइड में फिगर है ना वो यूज होता है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, दिस ये यूज होता। तो अब यहां पर वही वैल्यूज रिप्लेस कर कर करके आपको बी एक्स वाई निकाल देना है, बी एक्स वाई रिप्लेस कर देना, वाई बार वही यूज करना है, एक्स बार वही यूज करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका इजिली हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करने के बाद, ये एक क्वेश्चन बस ये डिस्कस करने के बाद हम जो है सेकंड मेथड और थर्ड मेथड पे जाएंगे और रिग्रेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मेथड टू मेथड थ्री, ये दो मेथड और करेंगे। इसके बाद मैं मीन में के अंदर जो है आपको डिस्पर्जन के टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, डिस्पर्जन के टॉपिक को हम कवर करेंगे, हार्मोनिक मीन को एक टॉपिक को कवर करना है और कुछ स्क्यूजनेस है उन टॉपिक कवर करना है, तो कोशिश करेंगे कि इस महीने में आपका ऑलमोस्ट जो है 3 यूनिट 100% अच्छे तरीके से फिनिश हो जाए, क्योंकि इंडेक्स नंबर फिनिश हो चुका है, कोफिशिएंट फिनिश हो चुका है, रिग्रेशन एक दो दिन में फिनिश हो जाएगा, मीन मीडियन मोड कंप्लीट हो चुका है आपके पास में, उसमें ग्राफिकल मेथड ये सब चीजें आपकी ऑलरेडी उसमें यूज हो चुकी है, ज्योमेट्रिक मीन हो चुका है, हार्मोनिक मीन देता था एक छोटा सा टॉपिक, तो उस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे, क्वार्टाइल्स डिस्कस हो चुका है, अब डिस्पर्जन और स्टैंडर्ड डेविएशन कवर करेंगे हम। पहले इसको खत्म करते हैं रिग्रेशन को, तो कल भी क्लासेस आपकी है तो अभी इसमें क्लासेस को रेगुलर लगा रहा हूं,